दिवाली के मौके पर इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा काम किया है कि जो दिवाली का रंग इंडियंस को दुबाला कर देगा। 500 साल बाद रामलला जी विराजमान हुए हैं अयोध्या में। छोटी मोटी बात थोड़ी है। भारत ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड के बैंकों में रखा अपना 102 टन यानी 1 लाख किलो से भी ज्यादा सोना देश वापस ले आया है। और हर जगह पर ये न्यूज़ चल रही है कि अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड इंडिया वापस पहुंच चुका है। दिवाली की धूम भारत समेत पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। इस्लामिक कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज के अंदर भी देखिए दिवाली मनाई जा रही है। व्हाइट हाउस में भी दिवाली मनाई जा रही है। इंडिया का जो कल्चर है वो पूरी दुनिया जो है इसको एक्सेप्ट कर रही है। पूरी दुनिया हमें इंडिया के रंग में रंगती हुई दिखाई दे रही है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी परमिशन देनी चाहिए ऑफिशियली कि दिवाली मनाई जाए यहाँ पे? नहीं, वो नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान के आइन के ही खिलाफ है। क्योंकि माइनॉरिटी राइट्स जो हैं वो आइन में जो जिक्र किए गए हैं वो सिर्फ जिमियों के लिए, यानी वो लोग जो टैक्सेस दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में टैक्स का जो है वो नॉन मुस्लिम से कोई तस्वुर ही नहीं है, इसलिए फिर ये होना भी नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू RBI's लेटेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रिपोर्ट, द सेंट्रल बैंक जो है उसका 855 टन्स ऑफ गोल्ड है एज ऑफ द एंड ऑफ सितंबर। मतलब कि ये तो 1 टन 2 टन की बात नहीं पाए, नहीं ये तो 900 टन पे पहुंचा हुआ है काम। 900 टन गोल्ड है इनके पास। दिवाली के साथ तो आपको डबल डबल बधाइयां, डबल डबल शुभकामनाएं, इसलिए कि दिवाली के मौके पर इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा काम किया है कि जो दिवाली का रंग इंडियंस को दुबाला कर देगा। और हुआ ये है कि RBI, RBI सीक्रेट मिशन, जो कि RBI ब्रिंग्स बैक अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड। RBI 102, अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड वापस इंडिया ले आए हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये काम अब सामने आ रहा है और हर जगह पर ये न्यूज़ चल रही है कि अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड इंडिया वापस पहुंच चुका है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। आपको याद होगा कोई 5 मंथ्स बैक, आई थिंक मई के मंथ में या जून में, हमने ये खबर आप तक पहुंचाई थी। उस वक्त भी हर जगह पर यह खबर चल रही थी कि 100 टन इंडिया का बैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने, इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया और इंग्लैंड से कहा कि हमारा 100 टन गोल्ड वापस कर दो, और वो 100 टन गोल्ड वापस आ गया। अब ये एक और 100 टन गोल्ड दिवाली के मौके पर वापस मंगवा लिया गया है। तो इसलिए मैंने कहा बधाइयाँ एंड शुभकामनाएं, डबल डबल बधाइयाँ, मुबारकबादें। अच्छा जी, अब देखें इसके कुछ एंगल्स हैं, ज़रा उसके पर बात कर लेते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कह रहे हैं लाइक इंडियन हाउस होल्ड इज कीन टू ब्रिंग मोर गोल्ड क्लोजर टू होम। और उसमें अब ये कहा गया है कि इट हैड शिप्ड 102 टन्स गोल्ड फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड जो कि लंदन में है, और अब ये गोल्ड सिक्योर लोकेशंस ऑफ इंडिया पर आ चुका है। अकॉर्डिंग टू RBI's लेटेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रिपोर्ट, द सेंट्रल बैंक जो है उसका 855 टन्स ऑफ गोल्ड है एज ऑफ द एंड ऑफ सितंबर। मतलब कि ये तो 1 टन 2 टन की बात नहीं पाए, नहीं ये तो 900 टन पे पहुंचा हुआ है काम। 900 टन गोल्ड है इनके पास। कि इस्लामिक कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज के अंदर भी देखिए दिवाली मनाई जा रही है। व्हाइट हाउस में भी दिवाली मनाई जा रही है। तो इंडिया का जो कल्चर कनेक्टिविटी है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है। हर कंट्री जो है इंडियन कल्चर के साथ कनेक्ट हो रहा है। उसी रंगों में आपको लोग नज़र आएंगे, दिवाली मनाते हुए नज़र आएंगे, एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हुए नज़र आएंगे। तो इंडिया ने तो पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है। देखिए, जब भी इंसान किसी चीज़ सच्ची राह पे चलता है, आप देखें उन्होंने दिवाली मनाते हैं, इसलिए खुशी करते हैं कि हमने एक शैतान को मारा है, ठीक है, दुनिया को अमन की तरफ लाए हैं, इस चीज़ का जश्न मनाते हैं ना। हम तो यहाँ कोई शैतान मारते ही नहीं हैं, हम तो शैतान पैदा करते हैं।
ये पाकिस्तान मुल्क के शैतान ने रेल रोज पैदा करते हैं, हम किस चीज का जश्न मनाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके।